हाय फ्रेंड, आप लोग देख रहे हैं एस ऑटोमोबाइल। आज जो मेरा पास गाड़ी आया है ये टाटा का मेगा एक्सप्रेस है। ये गाड़ी का बीमारी जो है, गाड़ी चलते चलते पिकअप ड्रॉप हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, गाड़ी आपका पिकअप छोड़ रहा है? कैसे चलते चलते ऐसे सोचो, गाड़ी चल रहा है अचानक गाड़ी छोड़, जैसे हवा ले आ रहा है ऐसे हो रहा है। ठीक है, चलो ट्री ड्राइव में, अभी हम लोग ट्री ड्राइव में जा रहे हैं, रोड में देखेंगे इसका कहाँ फॉल्ट है। ऐसे भी कोई डायनेस किया, कोई कोड नहीं है, चेक लाइन भी नहीं है, माल फसा लैम्प भी नहीं है, क्या बीमारी देखना पड़ेगा, इसको मैनुअल में करना पड़ेगा काम। कहाँ बीमारी है देखेंगे, अभी टेस्ट ड्राइव में जा रहे हैं देखेंगे। अभी चला रहा है गाड़ी, अभी तो गाड़ी दिखाई दे रहा है, सॉरी गाड़ी भाग रहा है, कोई बीमारी नहीं है। आप देखेंगे चलते चलते क्या हो रहा है, गाड़ी का फॉल्ट आपको दिखा रहा है। देखिए क्या दबा हुआ है, लेकिन काम नहीं कर रहा, फिर खेलना पड़ता है। काम नहीं कर रहा है, ठीक है, दबा हुआ है, काम नहीं कर रहा है। चलिए और दिखा रहा है आपको टेस्ट ड्राइव करके। देखिए पिकअप छोड़ दिया, एक्सलेटर नहीं हो रहा गाड़ी, अभी खेलेंगे। नहीं, जीरो हो गया, एक्सलेटर जीरो हो गया, दिखा दिया अभी गाड़ी ठीक है। दबा भैया, अभी हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कभी कभी पिकअप हो रहा है, कभी कभी छोड़ रहा है। आप देखिए गाड़ी चल रहा है, स्पीड में गाड़ी देखिए, गाड़ी 60 के ऊपर चल रहा है। छोड़ दिया गाड़ी पिकअप, आए देखिए छोड़ दिया पिकअप, छोड़ दिया पिकअप, डाउन हो रहा है, अभी छोड़ पकड़ लिया। अब देखिए गाड़ी भाग रहा है, भागते भागते गाड़ी स्लो हो जाएगा। देखा आपको गाड़ी 5 नंबर डाल दिया, ड्राइवर चल रहा है गाड़ी, रोड ट्रेस जब कर रहे हैं हम लोग, आए गाड़ी पिकअप छोड़ दिया। अरे देखिए आरपीएम काट रहे हैं, यहाँ पर खींचा हुआ है, पिकअप नहीं है, पूरा खींचा हुआ है। चलिए इसको काम कर रहेंगे, काम करेंगे, दिखाएंगे आपको कहाँ इसका फॉल्ट है। ठीक है फ्रेंड, भैया हम लोग टाटा का डिवाइस लगाया, डैमेज किया, आपको पता चल रहा है इस गाड़ी में, पता चला जाए ब्रेक शूज़ का इशू हो रहा है, ब्रेक शूज़ का कोई करंट का इशू हो रहा है। तो अभी हम लोग ब्रेक शूज़ का काम करेंगे, उसके बाद गाड़ी में ट्रायल करेंगे कहाँ फॉल्ट है गाड़ी में ब्रेक शूज़ का, इसलिए करंट का भी इस गाड़ी का जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है ना, करंट का इशू हो सका है, इसलिए हम लोग पहले इसका जो डीडीसी का ऊपर काम करेंगे, इसका डीडीसी जो है ब्रेक शूज़ का इशू दिखा रहा है, ब्रेक शूज़ का काम करेंगे, काम करने के बाद ट्रायल मार के आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड, हाय फ्रेंड, डायनोक सर पता चला जो ब्रेक शूज़ है इसका प्रॉब्लम है, ब्रेक शूज़ है हम लोग ये गाड़ी का है भाई, ये हम दूसरा लगा रहा है, ये लोकेशन लेके यहाँ पर ब्रेक शूज़ का, अभी हाथ हटाइए थोड़ा, ब्रेक शूज़ अभी हम लोग लगाएंगे, लगाइए मामा जी, ब्रेक शूज़ मामा जी लगा रहा है, चेंज करने के बाद हम लोग टाइल में जाएंगे, उसके बाद पता चल जाएगा गाड़ी का पिकअप ड्रॉप हो रहा है कि नहीं। हाय फ्रेंड, हम लोग अभी टेस्ट ड्राइव में आ गया, गाड़ी रोड में अभी चला रहा है गाड़ी, ड्राइवर भाई चला गाड़ी का, देखिए स्पीड दिखा रहा है आपको, पिकअप ड्रॉप हुआ क्या है, गाड़ी मेरा 80 तक उड़ गया, गाड़ी 80 तक चल रहा है गाड़ी, सामने थोड़ा गया। चलिए अभी मेरा अभी पिकअप घाट भी नहीं रहा है, पिकअप ड्रॉप भी नहीं हो रहा है, गाड़ी चल रहा है, नए बार चला रहा है गाड़ी का, देखिए 80 उड़ रहा है गाड़ी, अभी सामने गाड़ी आ रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है गाड़ी चलाने में, रोड में गाड़ी देखिए चल रहा है, गाड़ी 80 चल रहा है, सामने से गाड़ी है, इससे थोड़ा पर भी स्लो करना पड़ता है, बहुत हो रहा है, लेकिन गाड़ी मेरा कोई अभी क्या दिया दी नहीं,
गाड़ी जो है सक्सेस हो गया या फिर हमें खड़ा कर दो गाड़ी। हाँ ड्राइवर भाई, हाँ कैसा हुआ तब? ठीक है अभी? अभी ठीक है। ठीक है अभी? हाँ। कैसा लगा गाड़ी चला के? अभी स्मूथ, पिकअप सब कुछ ठीक है। पहले तो बहुत डिस्टर्ब था, जैसा बहुत लफड़ा हो गया था। वो मिस्त्री बोलते ये चेंज करो वो चेंज करो, वो भी किया लेकिन नहीं हुआ। आ जाके ये आप सही चीज़ पकड़ लिया है, बस अभी गाड़ी ठीक है। ओके हाय फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। हमको ये सब बीमारी पकड़ने का आपको तो पता है हर भाई को, जो गाड़ी बाइक बीमारी पकड़ने में कितना टेंशन वाला काम है। हर अच्छा जगह में पकड़ो, ध्यान से काम करो, पार्टी का कस्टमर का कोई नुकसान ना हो। ठीक है, थैंक यू फॉर दी वॉशिंग।